बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैकब न्यूज़ सां मां आहियां आबिद अली मंगरियो। पेश आहिनि हिन वक़्त जो हेडलाइंस। मीरपुर बुरलो वेझो कारे इल्ज़ाम हेठि मुड़ सथां ज़ाल क़त्ल। घोटु नूर अहमद खोसो जे रहवासी जवाबदार निसार अहमद खोसो पंहिंजी नौजवान घरवारी जमीला खे कारे इल्ज़ाम मड़े डंडा हणी क़त्ल करे छॾियो आहे। इतलाउ ते मीरपुर बुरलो पुलिस वाके वारा हंधि पहुची मक़तूला जे मड़ खे ज़रूरी कार्रवाई लाइ ठुल इस्पताल पहुचाए छॾियो आहे। कश्मीर में SUP पारां शहीद कामरान मलिक के कातिलन की गिरफ्तारी लाइ एहतजाज। सिंध यूनाइटेड पार्टी के अगवाणन इरशाद खोसो, लाला सैफुल्ला कलवर, जावेद खोसो ए बेन मीडियारो दाहींदे चयो था अगूणे DHO डॉक्टर मुश्ताक सूमरो शाहजहान सूमरो के कश्मीर पुलिस गिरफ्तार कोन थी करे, जैसे दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाखिल थियल है। तें बावजूद भी पुलिस कतल केस के जवाबदारन के गिरफ्तार कोन थी करे। अगवाणन वधीक चयो था कतल केस के जवाबदारन के गिरफ्तार कयो वञे, बी सूरत में एहतजाज जो दायरो वसी कयो वेंदो। घोटकी में थल डी अग कतल थल कारे मामले तां जख्मी थल टी वरन जो नौजवान फौत। घोट रईस पहलवान घोटो में चार डी अग कारे मामले तां थल झेड़े में जख्मी थल टी वरन जो नौजवान बहराम घोटो जख्मन जा सूर नसांदे रहीम यार खान जी शेख जैद अस्पताल में फौत थी वयो आहे। ऐं जॾहिं त टे जणा बहराम घोटो, गुलाब घोटो, मंठार घोटो जख्मी थिया हुआ। वारिसन मूजिब त घोटा बरादरी जा कुझु शरपसंद माण्हू गुलाम हैदर घोटो, परियल घोटो, दिनल घोटो, वली मोहम्मद ऐं ॿियनि असां ते हमिलो कयो आहे, जंहिंमें असांजा टे नौजवान जख़्मी थी पिया आहिनि। मुज़ाहिरीन इंतिज़ामिया खां मुतालबो कयो त मामले जी साफ़ शफ़ाफ़ जांच कराए इंसाफ़ कयो वञे। थुल में कतल थियल हाफिज़ मौज़म अली नूनारी जे कातिलन जी गिरफ़्तारी लाइ वारिसन जो एहतजाज। ए सेक्शन थाणे जी हद में दुकानदार मक़तूल हाफिज़ मौज़म अली नूनारी जे कातिलन जी गिरफ़्तारी लाइ वारिसन अब्दुल रहीम नूनारी, मुमताज़ अली नूनारी, इनायतुल्ला नूनारी ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त शहीद हाफिज़ मौज़म अली नूनारी जा कातिल सरेआम घुमी रहिया आहिनि। पुलिस कातिलनि सां बिट बणियल आहे। कातिल असांखे केस सां हथ खणाइण लाइ धमकाए रहिया आहिनि। पुलिस कातिलनि खे गिरफ़्तार करण लाइ तयारी न आहे। मुज़ाहिरीन SSP जैक बवाद खां मुतालबो कयो त शहीद हाफिज़ मौज़म अली नूनारी जे कातिलनि खे गिरफ़्तार करे असांखे तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे। डहर की वेझो रेती जे आबादगारन पारां मुआवज़ो न मिलण खिलाफ़ निजी गैस कंपनी खिलाफ़ एहतजाज। निजी गैस जे मुलाज़िमन रजब अली चाचड़, रईस बशीर अहमद, डॉक्टर वाहिद चाचड़, शाहिद चाचड़, खानदाद ऐं ॿियनि मीडिया आॾो दाहींदे चयो त निजी गैस कंपनी जे ठेकेदार अकबर अली असांखे ज़मीन जो मुआवज़ो ॾियण खां इनकार कयो आहे। ठेकेदार अकबर अली आराई असांखे पुलिस जी मदद सां हिरासां करण समेत मौतमार धमकियूं पिण ॾेई रहियो आहे। आबादगारन चयो त 40 साल गुज़री विया आहिनि, असांजी ज़मीननि मां गैस पाइप लाइन गुज़रे पई, जंहिंजो हिन वक़्त ताईं असांखे मुआवज़ो नाहे मिलियो। मुज़ाहिरीन निजी गैस कंपनी जे आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो था असांखे निजी कंपनी खां मुआवज़ो वठाए इंसाफ़ कयो वञे। बान सईदाबाद में पुलिस जी कामयाब कार्रवाई। पारको तेल कंपनी जी लाइन मां तेल जी चोरी कंदड़ चार जवाबदारन कादिर बख्श बिरोही, दोस्त मोहम्मद बख्शी, इरफानुल्ला बिरोही ऐं अली नवाज़ खे हद जी पुलिस गिरफ़्तार करे मथन केस दाख़िल करे छॾियो आहे। राब्तो करण ते SHO अब्दुल लतीफ़ राजपर ॿुधायो त गिरफ़्तार थियल चइनि जवाबदारनि जे कब्ज़े मां हिकु कार, चार मोबाइल फोन ऐं चोरी में इस्तेमाल थींदड़ सामान पिण हथु कयो आहे। हुन वधीक चयो त गिरफ़्तार थियल चारई जवाबदार आदि ॾोहारी आहिनि, जेके 8 मुख़्तलिफ़ केसनि में पुलिस खे घुरबल पिण हुआ। थुल में बेवा औरत जो डेरन जी ज़ियातुन ख़िलाफ़ एहतजाज। थुल जी रियाज़ कॉलोनी जी रहवासन औरत रुकैया भट्टी पंहिंजे भाइरनि मोहम्मद आसिफ भट्टी ऐं दीन मोहम्मद भट्टी सां गॾिजी मीडिया आरो दाहींदे चयो त मुंहिंजो मुड़ुसु मुमताज़ अली भट्टी जे फौत थियण बाद मुंहिंजा डेर मुंहुं मथां कूड़ो कारे जो इल्ज़ाम मणणु चाहिनि था ऐं हुननि मूं ऐं मुंहिंजे भाइरनि मथां तशद्दुद बि कयो आहे। हुन वधीक चयो त मुंहिंजो मुड़ुसु मुमताज़ अली भट्टी प्राइमरी उस्ताद हुयो, जंहिंजे करे डेर चवनि था त रिटायरमेंट ऐं पेंशन जूं मरातूं असांजे हवाले कर, ॿी सूरत में तो मथां कारे जो इल्ज़ाम हयो वेंदो। बेवा औरत आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त मूंखे तहफ़ुज़ रही जा डेरन सईद अहमद भट्टी, अनीस भट्टी ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे। ही हुयूं हिन वक़्त जूं ख़बरूं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.jacobnewshd.com ऐं फेसबुक ते फॉलो कयो। ॾिसंदा रहो जैकब न्यूज़, ख़बर खां हक़ीक़त ताईं।